हरियाणा जीके का पहला टीचर था। आरएएस के एग्जाम दिए मैंने और प्री मेरा क्वालिफाई भी हुआ है। होते हैं जो परेशान कर देते हैं, छोड़िए, ठीक है। के पास पूरी पृथ्वी एकदम करीब है, आज से लग जाओ और मई 2024 से पहले आप किसी न किसी सेक्टर में जरूर हो गए। और आज हम आए हैं बाजिया सर के पास, जो कि जीएस के जाने माने टीचर है। सर, आप अपने बारे में हमारी पहले जनता को कुछ बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस करवाता हूँ और अभी मैं हिसार में करवा रहा हूँ। मैंने शुरुआत की थी 2008 से, जयपुर, सीकर, हिसार, सिरसा, रोहतक सभी जिलों में मैंने पढ़ाया है। 2008 से मैं जीएस करवा रहा हूँ। वैसे मैं स्टूडेंट संस्कृत का हूँ, पर मैंने हरियाणा में आके जीएस शुरू किया। पहले राजस्थान में मैं साइकोलॉजी और संस्कृत पढ़ाया करता था। और सर, आपने ये जो टीचिंग का प्रोफेशन, आपको जैसे सर हर बच्चे का शुरू से एक सपना रहता है, मेरे को ये बनना है, तो आपका टीचिंग लाइन का सपना था या फिर कुछ अलग था सर? नहीं, मैं जयपुर में गया था 2008-09 में तैयारी करने के लिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के लिए गया था मैं। वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे गुरुजी थे कनक सेन जी, उन्होंने हमें मौका दिया भाई आप आइए और पढ़ाइए। उस दिन के बाद मैं इसी लाइन में आ गया। मैंने आरएएस के एग्ज़ाम भी दिए हैं और भी हरियाणा के एग्ज़ाम भी दिए हैं। एग्ज़ाम मैं हर कोई देता हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अभी हाल ही में ये आपका सीईटी हुआ, ये भी मैंने दिया, क्वालिफाई होता है। पर मेरा जो मेन है यही है, मेरे को इसी चीज़ में आनंद आ रहा है जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, नई जनरेशन तैयार करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बिल्कुल सर, क्योंकि आने वाली जनरेशन तो अपनी स्टूडेंट्स ही है सर, इनको प्रिपेयर करना ही सबसे बड़ी बात सर। और सर, आपने मतलब अभी जैसे बच्चों को मेन आप जीएस ही पढ़ाते हो ना सर? हाँ जीएस, अभी तो पहले शुरू में मैं आया था, मैं हिसार में अक्टूबर 2013 में आया था और सीकर से आया था मैं। उस समय मैं ये पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी ये इंडिया की पढ़ाता था। फिर जैसे ही हरियाणा में सरकार परिवर्तित हुई और अपने माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार बनी और हमारे एचएसएससी के एग्जाम शुरू हुए, तो उस समय मैंने हरियाणा शुरू किया। आप अगर मैं बताऊं तो ये कोई प्रशंसा नहीं होगी, मैं हरियाणा जीके का पहला टीचर था और मैंने ही सेक्टर में शुरू किया था। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो पढ़ा भी रहे हैं, तो हरियाणा जीके आजकल मैं करवाता हूँ, वैसे ये पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी ये भी करवाता हूँ। बच्चे आपसे पढ़ना चाहते हैं सर, उनके लिए आपको कौन सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया सर आपने अभी? मेरा YouTube चैनल है जीके विद बाजिया सर, उस पर मैं पढ़ाता हूँ, रेगुलर क्लासेस डालता हूँ। और मैं सभी से ये कहूँगा एक बार मेरे चैनल पर जरूर आके देखिए। बिल्कुल, मैं प्रॉपर टॉपिक करवाता हूँ, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। HCS यानी और CGL लेवल के मेरे टॉपिक रहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। मैं सर, आपने आरएएस के दो बार प्री क्वालिफाई किया सर? आरएएस के एग्जाम दिए मैंने और प्री मेरा क्वालिफाई भी हुआ है, ये जरूर रखें। पर मेरा प्रोफेशन ये है और मैं इसी में रहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। और सर, जो आजकल के बच्चे हैं सर, जिनको टीचिंग लाइन में जाना है सर, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर अपना इंटरेस्ट ज्यादा दिखाए या फिर प्राइवेट में खुद से पढ़ाना स्टार्ट करे, वो क्या आपकी राय? वैसे हम उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, उत्तर भारत में क्या है कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोफेशन को ज्यादा महत्व देते हैं। उत्तर भारत में एक विशेषता है कि गवर्नमेंट अगर कोई लगा है ना, वो ही सिक्योर माना जाता है। पर मैं ये कहूंगा, मैं दोस्तों, मैं इस सेक्टर में बहुत ज्यादा खुश हूं, इतना खुश हूं कि कोई सीमा नहीं है। मैं हकीकत में बताऊं, आपको अजीब सा लगेगा, मैं शायद ही कोई साल में 2-4 फॉर्म भरता हूं, और वो भी किस लिए? अपडेट होने के लिए, हमें पता चले अब क्या चल रहा है, क्योंकि पहले कुछ और था, अब कुछ और है, गहराई बहुत ज्यादा आ गई, ठीक है। तो इस तरह से मैं कहूंगा, जो भी बच्चे अपने आप को टैलेंटेड मानते हैं, वो हमारे सेक्टर में आइए, आप भविष्य बनाइए। आप बड़े बड़े टीचरों को देखिए, वो इसी बेस से तो बने हैं। कनक सेन जी खुद देख लीजिए आप, उन्होंने आरएएस छोड़कर ये चीज शुरू की थी, हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने आरएएस की जॉब छोड़ के उन्होंने ये चीजें शुरू की थी, ठीक है। और अब मैं जहां पे बैठा हूं, कैरियर बूस्टर, और कैरियर बूस्टर के जो डायरेक्टर साहब है मनोज, वो एसआई की नौकरी छोड़ के इस प्रोफेशन में आए हैं, आप देखिए, ठीक है। मैं कृष्णा क्लासेस में पढ़ाता हूं, पंगाल साहब ग्रेट पर्सनैलिटी है, वो अपने सब्जेक्ट के माहिर है, वो देख लीजिए इस प्रोफेशन में। तो ये नहीं होता भी गवर्नमेंट में क्या है, हमें लगन होनी चाहिए, हम कहीं भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं आज के दिन, इसमें कोई दो राय नहीं है। डर तो लगता ही ना सर, गवर्नमेंट जो छोड़ते हैं जब आप, तो महेंद्र सिंह धोनी ने क्यों छोड़ी थी? महेंद्र सिंह धोनी ने क्या, अगर वो इसी डर में रहता ना, तो आज उन्हें हम लीजेंड नहीं कह रहे होते। हाँ, तो ये बात है, अगर कुछ करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा।
बिल्कुल सर। अब जैसे सर अपने सेंटर के एग्जाम्स हो रहे हैं सर, वो तो एक रेगुलर इंटरवल टाइम ही होते रहते हैं सर, बट हरियाणा के अंदर क्या सर एक इरेगुलरिटी है सर, एग्जाम्स हो जाते हैं कंडक्ट या तो एग्जाम ही नहीं होते, अगर होंगे तो बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं आएगी, तो बच्चों को काफी चैलेंजेस का मतलब फेस करना पड़ रहा है सर। हाँ, ये करना पड़ता है क्योंकि सरकारें है ना वो अपने हिसाब से करेगी, सरकारें अपने हिसाब से करेगी, वो हमारे हिसाब से नहीं कर सकती, जब उनको आवश्यकता होती है उस समय लेती है वो, तो सरकारें अपने हिसाब से करेगी। बच्चों को मैं तो कहूँ तैयारी कीजिए और लगिए। कई बार बच्चे क्या होते हैं एक पेपर क्वालिफाई न हो तो वो मायूस हो जाते हैं, अरे आपको जिंदगी में एक ही पेपर क्वालिफाई करना है बस, कितना एक ही पेपर क्वालिफाई करना है, तो आप क्यों टेंशन लेते हो वो मेरा पहला नहीं हुआ दूसरा नहीं, कोई बात नहीं वो नौवां हो जाएगा आपका दसवां हो जाएगा, आप परेशान क्यों हो रहे हो, नेक्स्ट तैयारी में लगे रहिए। और अब मैं बोल रहा हूं आप जनवरी 2023 ये मैं बताऊं ये नौकरियों का साल है, जो आपको जितने भी आपके जितने भी व्यूवर है या जितने भी दर्शक है हमारे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं दोस्तों ये नौकरियों का साल है, आज से लग जाओ और मई 2024 से पहले आप किसी न किसी सेक्टर में जरूर होंगे। बिल्कुल सर, हमारी सरकार पे विश्वास कीजिए, हमारे जो प्रशासन चलाने वाले हैं उन बंदों पे विश्वास रखिए आप, ये जरूरियात रखेंगे। और सर आपकी लाइफ का सबसे कोई स्ट्रगलिंग पार्ट सर जो आप शेयर करना चाहें सर भी, हाँ इस टाइम पे मेरे को काफी दिक्कतें आई थी। होता है कई बार होता है कुछ होते हैं जो परेशान कर देते हैं, छोड़िए आप ठीक है। हाँ, सर, चलो ओके सर। आपकी आजकल के सर बच्चे जैसे छोटी उम्र में ही एंड्रॉइड फोन का यूज करने लग जाते हैं, मतलब कुछ करते होंगे पढ़ाई के लिए बट उनका ज्यादातर दुरुपयोग ही कर रहे हैं बच्चे। हाँ, दुरुपयोग कर रहे हैं ये गलत है, दुरुपयोग कर रहे हैं ये गलत है, पर देखो आप अगर मानो या ना मानो मैं उस दौर से गुजरा हूं जब फोन होते ही नहीं थे, और आज तो हमारे पास एंड्रॉइड फोन है, आपके पास पूरी पृथ्वी एकदम करीब है ठीक है। अगर आप इसका सदुपयोग करते हो तो इससे बेटर कोई और प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता ठीक है। जैसे मैं अब यूट्यूब पे हूं, आप यूट्यूब पे जाते हो ठीक है, देखिए हर बड़े से बड़ा धुरंधर आज इस यूट्यूब पे है ठीक है, मगर आप उसका अच्छी तरह से प्रयोग करते हो तो ठीक है, पर क्या बताएं अब ये उम्र ही टीनेजर की उम्र होती है तो इस उम्र में ये सोचा नहीं जाता। और सर जैसे आपकी क्लास में आपको जब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं तो सर आपका क्या मतलब मोटो क्या रहता है, अभी बच्चों को कैसे समझाऊं या फिर उनको एक अच्छे राह पे कैसे मोटिवेट करूं, तो आप किस तरह मतलब? बस उनको एक अच्छा लक्ष्य दिखाना भी आप कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, मैं अगर बताऊं तो मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनको लिखना नहीं आता था, वो आप गवर्नमेंट जॉब में है, मैं गारंटेड उनसे मिलवा सकता हूं, पर उनके दिमाग में एक बात थी भाई मेरे को लगना है, मेरे को लगना है, तैयारी करनी है, तैयारी करनी है, वो आज सक्सेस है। मैं तो ये कहूंगा आप हाथ धो के पीछे पड़ जाइए, आपको सफलता मिले ही मिलेगी, सफलता मिले ही मिलेगी 100%। सही, आप दशरथ मान जी को ले लीजिए, हाँ किसी का भी इतिहास उठा के देख लीजिए। नेक्स्ट, सफलता अब ऐसे नहीं हो सकती भाई आपको एक ही महीने में सफलता मिल जाए, नहीं आपको लंबे समय तक चलना पड़ेगा। और सर आजकल के बच्चों का सबसे बड़ा डर ये रहता है कि सर अगर वो अपना कोई खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, फिर कुछ अलग सोसाइटी से कुछ हटके अलग करना चाहते हैं, तो उनको ये डर रहता है कि चार लोग क्या कहेंगे, घर वाले सपोर्ट करेंगे नहीं छोड़ करेंगे। छोड़ दो ना यार लोगों का काम कहने का, छोड़ो ना। बिल्कुल, ज्यादा लोगों के बारे में कितना सोचोगे। बस मैं तो ये चाहता हूँ दोस्तों, या आपसे भी कहना चाहता हूँ, बस हमें एक ही बात सोचनी है, मेरे माँ बाप खुश है, बस छोड़ो। बिल्कुल सर, बस माँ बाप खुश हैं क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है और उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, छोड़ो और बाढ़ में जाए, छोड़ो। बिल्कुल सर। और सर अगर आपको सर 20 साल की उम्र दी जाए तभी आप अपनी लाइफ में क्या सुधार करोगे सर, और क्या करना चाहोगे सर आप? बस मैं और बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहूंगा। हाँ, मैं 2008 से इस सेक्टर में हूँ और मैं चाहूँ मैं स्वस्थ रहूँ और 2032 में भी मैं इसी तरह से पढ़ाता रहूँ। बिल्कुल सर। और सर जैसे आजकल के जो पेरेंट्स हैं सर, क्योंकि बच्चों में अगर कोई दिक्कत आती है ना तो वो इतने कैपेबल ही नहीं है कि अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके वो बातें, तो आपके कोने सर पेरेंट्स का बच्चों के प्रति कैसा बिहेवियर रहना चाहिए? पेरेंट्स और बच्चों का दोस्ती का नाता होना चाहिए। मेरे फादर मेरे सबसे बड़े दोस्त हैं। मैं बताऊं, मैं कोई भी शायद ही ऐसी कोई आपने इंटरव्यू शुरू किया, आपने मेरे से बात की, मैंने पहले उनसे बात की थी। बस अपने पेरेंट्स ही हमने सब कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपके पेरेंट्स आपके पीछे होने चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। ये दिमाग में से निकाल देना भाई वो हमारे साथ नहीं होंगे और हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सोच ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, आज भी उनकी माँ उनके साथ में थी। यस सर। हाँ ठीक है। और सर व्हाट इज योर लास्ट मैसेज फॉर टुडे जनरेशन सर? आप लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता,
चाहे वो किसी का भी उदाहरण देख लीजिए, आप जिस राज्य से जुड़े हो उस राज्य के सीएम को 2014 से पहले कोई जानता नहीं था, और इस ग्रेट पर्सनैलिटी ने 10 साल सीएम के रूप में कार्य कर दिया। तो बस आपके सामने सबसे अच्छा उदाहरण ये है, ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है ना कुछ हो रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, आपको ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलाते रहेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।